दोस्तों जो लोग विंडोज 7 यूज कर रहे हैं उनके एक्रोबैट रीडर में एक प्रॉब्लम आ रही है, AcroRD32.exe एंट्री पॉइंट नॉट फाउंड। बेसिकली ये प्रॉब्लम आनी शुरू हुई थी जैसा कि यूजर बता रहे हैं 17 सितंबर के आसपास से, क्योंकि इसका कोई अपडेट आया था और अपडेट इंस्टॉल होने के बाद ये प्रॉब्लम आने लगी। तो अपडेट तो आया था और उस अपडेट को के बाद एक और अपडेट आया है जो 3 अक्टूबर को आया है। जब यूजर्स ने रिपोर्ट किया कि ये प्रॉब्लम आ रही है तो एडोबी ने एक अपडेट जारी किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 अक्टूबर को, और इस अपडेट में इस बग को फिक्स कर दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे बग फिक्सेस में एंट्री पॉइंट नॉट फाउंड एरर ऑन लॉन्चिंग एक्रोबैट रीडर 32 बिट ऑन विंडोज 7 मशीन, इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया गया है। तो अब आपकी प्रॉब्लम कैसे फिक्स होगी? तो सिंपली आपको सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो अगर इसको खोल पा रहे हो, एडोबी एक्रोबैट को खोल पा रहे हो, तो इसको खोल लो और यहाँ पे मेन्यू में जाओ, यहाँ पे हेल्प में जाओ और हेल्प में यहाँ पे चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करो, तो ये अपडेट चेक करेगा और अपडेट तो अवेलेबल है ही, तो यहाँ पे आपको देगा इंस्टॉल करने के लिए या डाउनलोड करने के लिए, जो भी देगा ऑन स्क्रीन जो भी इन्फॉर्मेशन दे उसको फॉलो करना है। तो मैंने अभी जस्ट अपडेट कर लिया है इसलिए यहाँ पे अपडेट नहीं दे रहा है, और अपडेट करने के बाद मैं आपको दिखा दूँ कि ये आप देख रहे हो कि कोई एरर नहीं आ रहा है, मेरा एक्रोबैट रीडर खुला हुआ है। और मैं आपको एक फाइल भी खोल के दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से आप देख लो कि मेरा पीडीएफ फाइल भी खुल गया है, कोई एरर नहीं आ रहा है, ये अच्छे से काम कर रहा है। तो सिंपली आपको हेल्प में जा करके यहाँ से अपडेट कर लेना है, चेक फॉर अपडेट पर क्लिक करके। तो जब मैं अपडेट कर रहा था इसको तो एक एरर आया अपडेट करते समय, जब फाइल इंस्टॉल हो रहा था, तो इस एरर में ये बोल रहा है कि आप एडोबी एक्रोबेट को कट कर दो और तब रीट्राई करो। तो मैंने क्या किया, आप क्या करना है कि यहाँ से कट कर देना है और तब यहाँ पे आप रीट्राई पे करोगे तो ये हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो इसी में एक और चीज़ लिखा हुआ है कि आप सिस्टम को रीस्टार्ट करो और तब फिर से हेल्प में जा करके और अपडेट चेक करो और फिर तब करो, तो ऐसे हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि अगर इससे नहीं कर पा रहे हो, आप यहाँ पे एडोबी एक्रोबेट को आप नहीं खोल पा रहे हो, तब आप क्या कर सकते हो कि आप डायरेक्टली पहले तो इसको अनइंस्टॉल कर दो और आप गूगल में सर्च करो डाउनलोड एडोबी एक्रोबेट रीडर, और ये सबसे पहला वेबसाइट आ रहा है get.adobe.com, इसको खोलना है। तो आप ये पेज पे आ जाओगे, यहाँ पे आप देख रहे हो दिया हुआ है विंडोज 7 के लिए वर्जन वगैरह सब दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप मतलब नहीं है। यहाँ पे डाउनलोड एक्रोबेट रीडर पे क्लिक करना है और आपका जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा, ये करीब 300 MB का फाइल है, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और पूरी तरह से अच्छे से काम करने लगेगा जैसा मेरा कर रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।